समय हो गया है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर का, तो नजर डालते हैं इस खास खबर पर। मध्य प्रदेश के देवास कन्नौद वन परिक्षेत्र में अधिकारियों को सूचना मिली थी, उसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। उन्हें सूचना मिली थी कि सागौन के लकड़ी की अवैध तस्करी हो सकती है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सीमा सिन्हा सर्च वारंट के आधार पर मेवाती मोहल्ला में पहुंची और वहां पर सलीम काजी और पीरू काजी मेवाती के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इमरती चिरान 8 से 10 नग जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 7,000 के लगभग है, और मौके पर ही आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज करके जब्ती की कार्रवाई की गई। और इस दौरान आपको बता दें कि महिला वन आरक्षक अर्चना नागराज और वन स्टाफ के साथ गाली गलूज झूमा झटकी की गई और इसी से नाराज है यहाँ के अधिकारी। उनका कहना है कि बेहद अभद्र व्यवहार किया गया सरकारी कर्मचारियों के साथ, जो कि अपना काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई है। कन्नौद थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आरोपी द्वारा आपको बता दें कि वन विभाग के स्टाफ को धमकी दी गई है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जंगल की सुरक्षा करके दिखाइए। इधर वन अमले के साथ हुई अभद्रता से शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं सीमा सिंह से, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं कन्नौद की, कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया कार्रवाई के दौरान। आज हम लोग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, सुबह करीब 8:15 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मेवाती मोहल्ले में कहीं से छिड़ान चल रहा है। उन्हीं की सूचना के आधार पर हम लोग सर्च वारंट लेकर वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे थे, और टीम के साथ पहुँचने के बाद जिस जगह की हमको लोकेशन बताई गई थी वहाँ पे हम लोगों ने जाके अपने स्टाफ के साथ में कार्रवाई की, और कार्रवाई के दौरान हम लोग को वहाँ पर सागौन की ये छिड़ान भी प्राप्त हुआ है, 8 लाख हम लोग को प्राप्त हुए हैं। मतलब और कुछ स्टाफ के साथ झूमा झटकी कुछ ऐसी कुछ घटना हुई क्या कार्रवाई के दौरान? वहाँ पर माहौल ऐसा बना दिया गया था, ये व्यक्ति का नाम था जिसके हम लोग गए थे, पीरू काजी और सलीम काजी, मेवाती मोहल्ले के ही रहने वाले लोग हैं ये, और वहाँ पर उन लोगों ने सर्च वारंट को जो हमारे महिला अनुरक्षक थी उनके हाथ से लेकर उसे फाड़ दिया गया। फाड़ने के बाद में उनके सामने बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी, बाकी स्टाफ को भी गाली गलौज करने की कोशिश की गई, और जब उनके यहाँ से माल बरामद हम लोगों ने किया तो ये भी हम लोगों को धमकी देने लगे कि आप लोग जो है जंगल बचा के बताइए, हम जंगल की और अधिक कटाई करेंगे। ये सब कार्रवाई देखते हुए हम लोगों ने वहाँ से जब्ती करने के बाद में इनकी FIR भी कराई है, और FIR के बाद में इनसे शासकीय कार्य में बाधा डालने पर इनके प्रकरण भी कायम किया गया।